अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इस तरह की साइड स्लिट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी जो कि 3 साल की बच्ची के लिए है। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुर्ती कट करने के लिए हमने ये 1 मीटर रियॉन का प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है और ये हमारे पास 2.5 मीटर बॉर्डर है जो हम अपनी कुर्ती में यूज़ करेंगे। जिस बच्चे के लिए हम ड्रेस तैयार करेंगे वो 3 साल की है। सबसे पहले हम उसका मेजरमेंट जान लेते हैं। कुर्ती की टोटल लेंथ है हमारी 21 इंच, चेस्ट है 24 इंच, वेस्ट है 20 इंच, तीरा है 11 इंच, स्लीव्स है 10 इंच और स्लीव्स की फिटिंग है 4 इंच। चलिए तब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। हम कुर्ती का अपर पार्ट कट करेंगे। अपर पार्ट कट करने के लिए हमने अपने फैब्रिक में से 8 इंच लंबा फैब्रिक कट कर लिया है क्योंकि हमारा जो कुर्ती का अपर पार्ट है वो 7 इंच तैयार रहेगा। हम अपने इस फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। अब हम इसमें अपनी मार्किंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम तीरा जानेंगे। तीरा है हमारा 11 इंच, तो हम यहाँ पे 5.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। देन उसके बाद हम आर्म होल की लेंथ का निशान लगाएंगे। आर्म होल की लेंथ हम रखेंगे 5 इंच। उसके बाद इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है हमारी 24 इंच, 24 का 4th पार्ट होता है हमारा 6 इंच। यहाँ पे निशान लगा देंगे। 1.5 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे। बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट है हमारी 20 इंच, 20 का 4th पार्ट होता है 5 इंच, इसमें भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। फिर इन सभी निशानों को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हम 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से कुछ शेप दे देंगे। यहाँ से हम अपने आर्म होल की शेप दे देंगे। देन उसके बाद हम इसमें नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई जो है हम 2.5 इंच रखेंगे। उसके बाद हम 1-2 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर एक हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए जो 2.5 इंच वाला है ये हमारा बैक नेक है और ये 3 इंच वाला फ्रंट नेक है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए हमने अपने अपर पार्ट की कटिंग कर ली है। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। हमने फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर ली है और नेक की भी कटिंग कर ली है। अब हम अपने लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे। लोअर पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने अपने फैब्रिक में से 14 इंच लंबा फैब्रिक कट कर लिया है और इसकी चौड़ाई हमने जो है वो 22 इंच रखी है क्योंकि हमारे 3 साल के बच्चे का है तो हम इसमें ज़्यादा घेरे नहीं रखेंगे। इसके हमने 2 पीसेस कट किए हैं, ये देखें इस तरह से, और इन पीसेस को इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे सेंटर में कट लगा लेंगे। ये देखिए हमने अपने सेंटर में इस तरह से कट भी लगा लिया है। हमारी कुर्ती जो है वो टोटल 21 इंच की तैयार हो जाएगी। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमने 11 इंच लंबा और 13 इंच चौड़ा फैब्रिक कट कर लिया है। इसमें से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। अब हम इसमें अपनी स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद आर्म होल की लेंथ है हमारी 5 इंच, 1.5 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से आर्म होल की शेप दे देंगे। उसके बाद स्लीव्स की फिटिंग है हमारी 4, 1 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे और इन सभी निशानों को आपस में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है, सेंटर में कट भी लगा लिया है। उसके बाद हम अपने फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारी स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए हमारी कुर्ती के तमाम पार्ट्स कट हो चुके हैं। ये हमारी कुर्ती का घेरा है, ये अपर पार्ट है और ये हमारी स्लीव्स हैं। चलिए तो अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। कुर्ती की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम कुर्ती का अपर पार्ट तैयार करेंगे। ये हमारे कुर्ती का फ्रंट पार्ट है। हम इसके सेंटर में इस तरह से एक निशान लगा लेंगे और फिर जो हमारे बॉर्डर था ये बॉर्डर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हम दोनों साइड स्टिच कर लेंगे। हमने अपने नेक के दोनों साइड इस तरह से बॉर्डर अटैच कर लिया है। उसके बाद हम ये अपनी नेक की मेजरमेंट से ये हमने अपनी नेक की पट्टी भी कट कर ली है और इसे साइडों से इस तरह से स्टिच कर लिया है। उसके बाद इसे हम फ्रंट पार्ट में यहाँ से इस तरह से स्टिच कर लेंगे। देखिए हमने अपने नेक की पट्टी ज्वाइन कर ली है और इसमें इस तरह से कट भी लगा लिए हैं। उसके बाद हम अपनी नेक की पट्टी को इस तरह से बैक साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे। देखिए हमने अपनी पट्टी को बैक पार्ट की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हम अपना बैक पार्ट भी तैयार कर लेंगे।
ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों नेक तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें शोल्डर की साइड से इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए हमने दोनों साइड से शोल्डर्स ज्वाइन कर लिए। अब हमारा अपर पार्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम लोअर पार्ट तैयार करेंगे। कुर्ती का लोअर पार्ट तैयार करने के लिए हमने लोअर पार्ट का ये पीस लिया हुआ है। इसके सेंटर में हमने कट लगा रखा है और ये हमारा अपर पार्ट है। इनके दोनों सेंटर को हमने आपस में इस तरह से ज्वाइन कर रखा है और ये हमारी कुर्ती की दोनों साइडों से फिटिंग है। सेंटर से हम तीन प्लेटें इस तरफ डालेंगे, तीन प्लेटें इस तरफ डालेंगे। ये देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से यहाँ पे भी तीन प्लेटें डालेंगे और इसे इसके बराबर डालेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरे पीस में भी तीन तीन प्लेटें दोनों साइड डाल लेंगे। देखिए हमने अपने लोअर पार्ट और अपर पार्ट को आपस में ज्वाइन कर लिया है और इसमें गैदर भी डाल ली है। अब हम अपनी कुर्ते की फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए हमने अपनी कुर्ते को इस तरह से उल्टा कर लिया है और यहाँ से ऊपर से हम 8-8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हम यहाँ पे भी 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। साइड 8-8 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम अपनी कुर्ते की फिटिंग का निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमने अपनी फिटिंग के हिसाब से दोनों साइड निशान लगा लिए हैं। अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने अपनी कुर्ती के दोनों साइड फिटिंग लगा ली है। इसके बाद हम अपनी कुर्ती के चाकू और दामन दोनों साइडों से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम ये अपना बॉर्डर लेंगे और कुर्ती के फ्रंट साइड इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे। देखिए हमने अपनी कुर्ती के चाकू और दामन फोल्ड कर लिए हैं और कुर्ती के फ्रंट साइड इस तरह से बॉर्डर भी अटैच कर लिया है। अब हमारी कुर्ती कुछ इस तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी स्लीव तैयार करेंगे। स्लीव तैयार करने के लिए हमने अपनी स्लीव के बॉटम पे इस तरह से बॉर्डर अटैच कर लिया है। इसके बाद हम अपनी स्लीव की फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए हम अपनी स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा देंगे। ये हमने अपनी स्लीव्स की फिटिंग लगा ली है। अब हम इसे अपनी कुर्ती में अटैच कर लेंगे। देखिए हमने अपनी कुर्ती में दोनों साइड स्लीव्स अटैच कर ली हैं। अब हमारी कुर्ती कुछ इस तरह से तैयार हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।